नमामि बराक उत्सव के समापन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, केंद्र में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री परिमल जी, असम सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद विधायकगण, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, आप सबके बीच में मुझे आकर के बहुत खुशी हो रही है। अभी आपके सामने कॉफी टेबल बुक, जिसका विमोचन राज्यपाल जी ने किया, उसकी एक प्रति मुझे भेंट की गई और उसका नाम सही रूप में बराक लिखा हुआ है। जब इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने राष्ट्रपति भवन में के हमारा जो सेक्रेटरिएट है, आई आस्क्ड देम टू फाइंड आउट व्हाट बराक, द वर्ड बराक मीन्स, और काफी समय के पश्चात जब मुझे बताया गया कि बराक का मतलब क्या होता है, कभी कभी मुझे लगता था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने तो इस बराक नदी के नाम को या उनके माँ बाप ने नाम को चोरी तो नहीं किया। लेकिन बाद में खोज के बाद ये पता लगा कि बराक शब्द का हिब्रू, अरबी व कई अफ्रीकी भाषाओं में भाग्यशाली माना जाता है। और इस बराक शब्द का और भी जो हम लोग मुबारक कहते हैं, मुबारक, उससे भी इस शब्द का जुड़ाव है। केन्या में, जो अफ्रीकन कंट्री है, केन्या में बराक एक प्रचलित सरनेम है, और सही मायने में जो बराक ओबामा साहब थे, क्योंकि उनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो केन्यन के थे, तो इसलिए उन्होंने, तब मुझे संतुष्टि हुई कि उन्होंने अपने असम का नाम नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका नाम लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार सोचता था कि ये जब बराक नदी का नाम, बराक शब्द का अर्थ भाग्यशाली होता है, तो स्वाभाविक है हमारे पूर्वजों ने भी इस नदी का नाम बराक क्यों रखा, और इसी दृष्टि से रखा कि सौभाग्यशाली। वाकई में जब हम बराक नदी की चर्चा करते हैं तो वाकई में ये प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है, बराक से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मपुत्र से जुड़ा हुआ है, और शायद इसका सौभाग्य आज समझ में कम आता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदियों पूर्व इस क्षेत्र का जो जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय देशों से रहा, वो इसी कारण से रहा, यही एक रूट था जिसके कारण से साउथ एशियन कंट्रीज के बहुत सारे लोग यहाँ पर न केवल व्यापार करते थे, बल्कि इस माध्यम से भारत आए, भारत की जो हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, संस्कृति है, उसको उन्होंने सीखने का मौका मिला। और इसी को लेकर के जब हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यदि हम अपने तक सीमित रहते तो शायद हम उस शब्द को नहीं कह पाते कि पूरी वसुधा पर जो ब्रह्मांड में लोग हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं, वो सब हमारे ही अपने हैं। ये कुटुंब की जो बात आई है वो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। भाइयों और बहनों, ये बात सच है कि राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये मेरी पहली असम यात्रा है। और ठीक 4.5 महीने पहले जब मैं कैंपेन के दौरान
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आया था, सीधे अरुणाचल से लेकर के और कई राज्यों से होते हुए असम भी आया। तो मैंने कहा था यहाँ पर कि इफ़ आई एम इलेक्टेड आई विल सर्टेनली मेक इट अ पॉइंट टू विजिट योर स्टेट दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज अर्ली एज आई कैन। और मुझे खुशी है कि केवल साढ़े चार महीनों में मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि इस नमामि बराक जो कार्यक्रम जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल में आप सबके साथ साझा कुछ करने के लिए मुझे एक मौका मिला। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि असम प्रदेश और पूरे भारत के विकास को निरंतर योगदान देने वाली यहाँ की धरती ने अनेक सपूत पैदा किए जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। सबसे पहले यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित शंभू धन फोंगलो का नाम याद आता है। महर्षि अरविंदो के क्रांतिकारी दिनों में उनके सहयोगी रहे सिलचर के बिबलवी उल्लास कर दत्त ने भी ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था। असम राज्य को ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की प्राकृतिक संपदा प्राप्त है, यही हम सबका असम के लोगों का सौभाग्य है। ये नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर लगभग पूरे राज्य के जीवन यापन संस्कृति और विकास को आधार प्रदान करती हैं। राज्य के कार्यक्रमों को इन जीवनदायिनी नदियों के नाम से जोड़ना एक अच्छी सोच है। इसी वर्ष मार्च अप्रैल में नमामि ब्रह्मपुत्र उत्सव मनाया गया था। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने बराक नदी की घाटी में बसे हुए लोगों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आयोजित आज का यह उत्सव एक सराहनीय प्रयास है। राज्य सरकार ने असम के विकास के लिए जो प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं मुख्यमंत्री और विशेषकर यहाँ के निवासियों की सराहना करता हूँ। पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रयासों से अनेक योजनाओं में गति का संचार हुआ है और इससे पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे विकास हो रहा है। बराक और ब्रह्मपुत्र घाटियों की जमीन बेहद उपजाऊ है। असम और पूरे देश के निवासियों को अपने संगीत से एक सूत्र में बांधने वाले महान गायक भूपेन हजारिका ने अपने भूपेन हजारिका को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध और अमर गीत में कहा था कि गोटेट जीवन विसार लेओ अलेख देवक राती अहम देहर दरे ने पाऊं ईमान रहल माटी, अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर जीवन भर ढूंढते रहने पर भी असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। इन दोनों नदियों की घाटियों के साथ साथ असम की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग भी इन उत्सवों से जुड़ जाते हैं। पूरे राज्य में संतुलित विकास के जरिए लोगों में पारस्परिक सौहार्द और एकता की भावना को और अधिक बल मिलता है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है और न केवल देश की विशेषता है बल्कि हर प्रदेश की विशेषता है और क्षेत्र की विशेषता है। इसी का प्रतिबिंब बराक घाटी में प्राप्त अनेक भाषाओं संस्कृतियों और जनजातियों के मेलजोल में सामने आता है। यहाँ साहित्य की गहरी परंपराएं हैं, भाषा और संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रति रुझान है। यहाँ बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, साक्षरता दर अधिक होने के कारण यहाँ के युवाओं में प्रतिभा और कौशल का विकास अधिक तेजी से हो रहा है। असम सरकार ने स्वामी विवेकानंद के नाम पर यहाँ एक सांस्कृतिक और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त इस केंद्र द्वारा असम की बहुजातीय सांस्कृतिक विविधता को बल प्राप्त होगा तथा बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी।
अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये क्षेत्र अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं और उन्हें कार्य रूप दिया जा रहा है। गुजरात के कच्छ से लेकर असम के कछार तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूप में भारत सरकार की महासड़क परियोजना का उत्तर पूर्व का भाग सिलचर से ही शुरू होता है। कुछ समय पहले ही शुरू की गई बराक घाटी से गुजरते हुए अगरतला और दिल्ली को जोड़ने वाली ब्रॉड गेज लाइन से व्यापार और पर्यटन दोनों को ही बहुत लाभ पहुंच रहा है। करीमगंज जिले में स्थित बॉर्डर ट्रेड सेंटर के माध्यम से बांग्लादेश के साथ होने वाले व्यापार में प्रगति हुई है। इस सेंटर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जा रहा है। इस बदलाव द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के साथ साथ पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने की अपार संभावना है। इस बात का मैंने जानबूझ करके उल्लेख किया। जो हमारे आसियन कंट्रीज हैं उनकी संख्या 10 है। अभी हम सब लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम फिलीपींस अर्थात मनीला में संपन्न हुआ। उसमें आसियन कंट्रीज थे और आसियन कंट्रीज के साथ साथ और भी। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सभी आसियन कंट्रीज 10 कंट्रीज के जो हेड्स हैं उन सबको निमंत्रण दिया है आप सबकी ओर से भारत की ओर से कि हमारा जो रिपब्लिक डे सेरेमनी 26 जनवरी को 2018 को होगा उसमें आप सब लोग आइए और भारत की प्रगति को देखिए। और मुझे लगता है कि ये जो आसियन कंट्रीज के जो हेड्स आएंगे मोस्टली दे दीज आसियन कंट्रीज आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया और उसका वेल कनेक्शन जो है वो हमारे असम से जुड़ता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जुड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2018 का वर्ष भी हम सब के लिए विशेष रूप से कुछ खुशियां लाने वाला है। कृषि मछली पालन हैंडलूम और चाय बागान के क्षेत्रों में यहाँ के लोगों के पास काफी अनुभव है। उपजाऊ जमीन सड़क रेल और जल परिवहन में हो रहे विकास तथा प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में बराक घाटी में तेज विकास को गति प्रदान करने के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने वाले विमान सेवाओं की सुविधा का आरंभ होने से प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस क्षेत्र के तीनों जिलों कछार करीमगंज और हैलाकांडी के निवासी विकास के नए अवसरों का उपयोग करने के लिए तत्पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें असम के विकास को ठोस आधार मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विकास का लाभ असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों तथा पूरे देश को लाभ मिलेगा। इस साथ ही ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। बराक घाटी यहाँ के निवासियों की अपार क्षमता को पूरे देश और विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रेरित इस उत्सव के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यह कामना करता हूँ कि इस क्षेत्र के और पूरे असम प्रदेश के सभी लोग सुख और शांति का अनुभव करते हुए प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।